Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us. चेर्नोबिल सर्व्ड एज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे अप्रैल 26, 1986 को एक टेस्ट करते टाइम एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ इन रिएक्टर नंबर 4. सुपर हीटेड ग्रेफाइट एंड बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल इसकी वजह से हवा में फैल गया. रेडिएशन क्लाउड्स वर सेंट ऑल अक्रॉस द ग्लोब. इस पावर प्लांट के पास प्रिपेयर नाम के एक टाउन में थाउजेंड्स ऑफ लोग रहा करते थे. डिजास्टर के टाइम में 2 लोग उसी टाइम पे मर गए एंड उसके कुछ वीक्स के बाद 29 लोगों के मरे जाने की रिपोर्ट आई. सिर्फ इतना ही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इस डिजास्टर की वजह से कैंसर और भी ऐसे डिसीजेज हुई जिनकी वजह से दे इवेंचुअली डाइड. इस रीजन में 30 ईयर से कोई भी एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑब्जर्व नहीं की गई है. बट इट डजंट एंड देयर. 200 टन से भी ज्यादा यूरेनियम अभी भी उस रिएक्टर साइट के अंदर प्रेजेंट है, जिससे लोगों को डर है कि फिर से कभी भी रेडियोएक्टिव लीक हो सकता है. इसी सब चीजों की वजह से चेर्नोबिल का एरिया नेक्स्ट सेंचुरी तक माना जाता है कि सेफ नहीं है विजिट करने के लिए एंड अगले टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक वहां पे ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एट द बेस्ट केस सिनेरियो. सो व्हाट इज दिस दैट मेक्स दिस एक्सीडेंट सो कैटास्ट्रोफिक? हमने और बहुत सारे डिजास्टर्स के बारे में सुना है और देखे हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, सुनामीज एक्सेट्रा, जिनमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे जाते हैं, बहुत से घर भी खराब हो जाते हैं. लेकिन चेर्नोबिल के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है कि 30 इयर्स के बाद भी वहां पे लोग अभी तक नहीं जा सकते हैं? क्यों प्रिपेयर के लोग वापस अपने घरों में इतने साल तक भी नहीं जा पाए हैं? द आंसर इज रेडियो एक्टिविटी. To understand radioactivity, we have to first understand what makes everything around us, the atoms and their structure. अगर तो simplest terms में बात करें, तो हर एक atom के center में एक nucleus होता है, जिसमें neutrons and protons होते हैं. Electrons इस nucleus के around revolve कर रहे होते हैं. हर एक atom में ये number of neutrons, protons and electrons अलग-अलग होता है, which makes them unique. The defining character of any element is the number of protons present in the nucleus of its atom. अब हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी एटम्स में ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल होता है, मतलब कि जितने पार्टिकल्स उनमें हैं, वो वैसे ही उतने ही रहते हैं, they don't change abruptly. But कुछ स्पेशल केसेस में ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, ये थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से they just can't stay bound up in a nucleus and the atom becomes unstable. स्टेबिलिटी पाने के लिए न्यूक्लियस अपने न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देता है एंड दिस प्रोसेस इज अकॉम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी. This release of energy in the form of waves or a stream of particles is what is called radiation, and the process of an unstable nuclei giving off its particles is what is called radioactive decay. So, what is radiation energy's problem? A specific type of radiation known as ionizing radiation can hit other atoms, ionizing them and removing electrons from them. Or humans or other living beings may, this can break the bonds of our DNA. इसकी वजह से हमारे प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी खराब हो जाते हैं. अब अगर तो ये थोड़ी अमाउंट में हो तो इट इज स्टिल फाइन, क्योंकि सेल खुद को रिपेयर कर सकता है. लेकिन हाई डोजेस में रेडिएशन अगर तो हो तो सेल के सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स भी खराब हो जाते हैं एंड इवेंचुअली द सेल कमिट सुसाइड. हमारी बॉडी में कुछ सेल्स की डेथ कैन स्टिल बी टॉलरेटेड, लेकिन अगर तो ये नंबर ज्यादा हाई हो जाए तो दिस लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड नेक्रोसिस. ऑल्सो हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन कैन कॉज डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन विच केस द रिजल्ट इज अ वेरी पेनफुल डेथ. आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी के कुछ सेल्स इम्प्रॉपरली आपस में स्टिक हो सकते हैं, विच इज द मेन रीजन फॉर कैंसर. बट रेडियोएक्टिविटी कैन बी यूजफुल इफ डेल्ट विद केयर. आजकल हम लोग रेडियोएक्टिविटी को बहुत सारी जगहों में यूज करते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चेर्नोबिल में भी हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह ही रेडियोएक्टिव मटेरियल्स वर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाउ एग्जैक्टली? रेडियोएक्टिव मटेरियल में से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को यूज किया जाता है टू हीट अप वाटर. इसमें से जो फाइनली स्टीम निकलती है, उस स्टीम से टर्बाइन रोटेट किया जाता है एंड द फाइनल आउटपुट ऑफ एनर्जी दैट वी गेट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. चेर्नोबिल एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारा रेडियोएक्टिव मटेरियल हवा में खुला ही फैल गया था और इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट थी आयोडीन 131, सीजियम 134 एंड सीजियम 137 की. आयोडीन 131 बहुत इजीली ह्यूमंस की बॉडी में इंजेस्ट हो जाता है और ये हमारे थायराइड ग्लैंड में जाकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड, सीजियम के आइसोटोप्स बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, लेकिन ये और भी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि इनके हवा में होने के सालों के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं.
रेडिएशन को और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पहले एटम की स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसकी डिटेल्ड वीडियोस हमारे ऐप पर अवेलेबल है, इन क्लास 9th एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लास 11th एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एक्सप्लोजन के बाद ही एक कमेटी बिठाई गई टू सी व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लोजन हुआ ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। एंड एज कैन बी गेस्ड, चेर्नोबिल पावर प्लांट को उसी टाइम बंद कर दिया गया एंड आसपास के सभी लोगों को भी इवैक्यूएट कर दिया गया। बट द मोर प्रेसिंग क्वेश्चन वाज व्हाट टू डू विद ऑल द रेडियोएक्टिव मटेरियल जस्ट फ्लोटिंग अराउंड फ्री इन द एटमॉस्फेयर। तब से अभी तक बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल फ्रॉम लीकिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें से एक मेजर था बिल्डिंग अ वेरी लार्ज कन्फाइनमेंट एरिया जो पूरा का पूरा रिएक्टर को कवर कर लेगा और अंदर के और भी किसी मटेरियल को बाहर एटमॉस्फेयर में जाने से बचाएगा। बट द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट विल प्रिवेंट अनदर चेर्नोबिल। यू कैन रीड मोर अबाउट दिस ऑनलाइन एंड अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वी लर्न द हार्ड वे थ्रू चेर्नोबिल। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks for watching. You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description.